our YouTube channel. Now we start a topic of 9th class motion. Topic is motion. Motion means जैसे भाई मैं आपको बताऊं motion का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी जैसे आपने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलती हुई देखी है या फिर आप चल रहे हो तो क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर आप टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज को चलती हुई देख रहे हैं तो वो क्या किसके रिस्पेक्ट में आती है मोशन में. तो आज हमारा टॉपिक है मोशन. अब सबसे पहले जो इसमें टर्म आती है वो क्या है भाई, एक तो आती है रेस्ट और दूसरी टर्म में मैं बोलूं मोशन. रेस्ट का मतलब क्या समझे आप, रेस्ट का मतलब कि टाइम कितना भी बढ़ता चला जाए बट वो ऑब्जेक्ट वहीं सिचुएट रहे कहीं पे ना जाए. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर स्कूलों में बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर फैन की बात करें या फिर लेक्चर स्टैंड की बात करें, आप वहां पे आज पढ़ के जा रहे हैं, अगले दिन पढ़ोगे, उससे अगले दिन पढ़ोगे, वो लेक्चर स्टैंड वही रहेगा. कब? क्योंकि क्या हो रहा है, जब तक आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं. इट मींस रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी. वो कैसी है? स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के साथ में. विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम बढ़ता चला जाए बट उसके साथ में ऑब्जेक्ट वही सिचुएट रहे तो वो क्या होती है? रेस्ट. वही मैं बात करूं मोशन की, मोशन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, ऑब्जेक्ट ट्रेवल सम डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट क्या करे, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में. अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो वो क्या आता है? मोशन के अलावा. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम होते हैं, बाइक होती है, या फिर अगर मैं बात करूं अर्थ होता है. सबसे मोस्ट एग्जाम्पल बात करूं अर्थ, अर्थ रोटेट कर रही है अपनी पोजिशन पे, क्या कर रही है? रोटेट. तो वो क्या है? उसका मोशन. ठीक है, अब ये हो गया रेस्ट और मोशन के बारे में. अब रेस्ट और मोशन में अब इन्हीं प्रकार से अब मोशन भी दो टाइप का बताया गया आपके पास. क्या भाई? एक तो बताया यूनिफॉर्म मोशन. कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन. दूसरी टर्म आई नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या समझे? यूनिफॉर्म में बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मैं फुल यूनिफॉर्म में हूं, मींस मैं जिस कंडीशन में आपने बताई गई है उस कंडीशन में मैं पूरी तरीके से, जैसे आप हम कहते हैं ना कि भाई स्कूल के बच्चों के लिए कि भाई बच्चा यूनिफॉर्म में है, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर ड्रेस. प्रॉपर ड्रेस का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या समझे कि ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. मैं ये बात करूं क्या कि डिस्टेंस ट्रेवल, या फिर ये बोलो कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाई एनी ऑब्जेक्ट विद इक्वल टाइम. मैं क्या कह रहा हूं, मतलब क्या हुआ कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट विद इक्वल टाइम. कि क्या कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी बाइक ली, आपने आप बाइक को चला रहे हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे पे हैं, आप बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, मान लो आपने अपनी स्पीड को लिमिट कर दिया कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप बाइक को चला रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि एक घंटे में आपने कितनी ट्रेवल डिस्टेंस की? 40 किलोमीटर. दूसरे घंटा जब हो जाएगा तो उस घंटे में आप कितनी ट्रेवल कर दोगे? 80 किलोमीटर. कंटिन्यूसली ऐसे चलता चला जाएगा, मींस टाइम भी बढ़ रहा है उतनी ही डिस्टेंस बढ़ी, टाइम बढ़ा उतनी ही डिस्टेंस बढ़ी. कहने का मतलब क्या हुआ? वो यूनिफॉर्म मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग में समझाऊं कि अगर ये डिस्टेंस लिया है और अगर ये टाइम ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या करेगा? ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस को बढ़ाओगे वो उतने ही टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग में आपके पास बढ़ता चला जाएगा. ये आपके पास है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. बिकॉज आपको पता है ये मैं क्यों लिख रहा हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि टाइम तो अपनी जगह मतलब रुकता नहीं है, टाइम तो चलता रहता है. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आप किसी गांव में से बाइक लेके निकले, अब उस गांव में चार मोड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. अब ये तो है नहीं कि आप बाइक लेके जा रहे हो तो सीधा ही, मतलब अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके जा रहे हो तो उसी से चलते चले जाओगे, आपको बीच में रोकना भी पड़ेगा ना. या फिर मैं कहूँ कि ब्रेकर आ जाए, तो उस टाइम पे जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो तो आप ब्रेकर आएगा तो क्या करोगे? उसको स्लो डाउन करोगे. अब स्पीड तो क्या हुई? कम हुई आपकी भी, मतलब डिस्टेंस होगी वो तो ट्रेवल कम होगी बट टाइम तो उतना ही चलता रहेगा. इट मीन्स मैं बोलूं कि आपके पास अनइक्वल डिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं,
मान लिया आपके पास टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल की, पहले घंटे में आपने फर्स्ट आवर में ट्रेवल की 5 किलोमीटर, सेकंड आवर में किसी रीजन की वजह से, किसी ब्रेकर की वजह से या मोड की वजह से आप अब दूसरे घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ट्रेवल कर पाए, बट होना तो क्या चाहिए था 5 के अकॉर्डिंग में कितना ट्रेवल कर देना चाहिए था आपको, 10 किलोमीटर। अगला हो सकता है कि 3 घंटे में आपने क्या किया, अब सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रेवल कर पाए, या फिर मैं कहूँ कि कोई रेड लाइट आ गई, अब रेड लाइट की वजह से आपको रुकना पड़ गया। अब ये जो रुके हैं तो अब क्या आ रहा है कि डिस्टेंस अनइक्वल है, बट टाइम तो अपनी स्पीड से बढ़ता रहता है, टाइम तो अभी रुकता नहीं है, टाइम तो इक्वल चलता रहेगा। या फिर मैं कहूँ दूसरी टर्म में, इसको दूसरी टर्म में क्या लिख सकता हूँ, दूसरी टर्म में लिख सकता हूँ भाई क्या कि आपके पास अनइक्वल टाइम हो जाए, अनइक्वल टाइम विद इक्वल डिस्टेंस, कि डिस्टेंस अब इक्वल कर दो बट टाइम अनइक्वल हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं कि अब डिस्टेंस आपने कंफर्म कर ली कि मेरे को 5 किलोमीटर ट्रेवल करनी है, अब वो 5 किलोमीटर ट्रेवल चाहे आप 1 घंटे में करें, चाहे आप 45 मिनट में करें, चाहे आप 30 मिनट में करें, वो आपकी मर्जी है। मीन्स आपकी बार क्या हो गया, आपकी बार अनइक्वल टाइम हो गया बट डिस्टेंस तो क्या थी, सेम थी। तो ये आपके पास आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, अगर ग्राफ की बात करूं, ग्राफ की बात करूं इस केस में नॉन यूनिफॉर्म में, तो मे बी अगर ये डिस्टेंस लिया है, ये टाइम लिया है, या फिर तो मैं कह सकता हूं कि टाइम अगर मेरे पास क्या हो रहा है कि डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और टाइम घटता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है टाइम घटता जा रहा है या कॉन्स्टेंट होता जा रहा है, या फिर मैं दूसरे टर्म में बात करूं ये डिस्टेंस ले लिया, ये टाइम ले लिया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। ये आपके पास अब क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है टाइम घटता जा रहा है, यहाँ पे कि टाइम बढ़ता जा रहा है बट डिस्टेंस तो घटती जा रही है, तो आपके पास ये आते हैं किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और नेक्स्ट, अब हमने जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किया, अब हमारे पास आगे टर्म आती है भाई स्पीड। क्या टर्म आती है, स्पीड। अब स्पीड फॉर एग्जाम्पल सीधा सीधा टर्म में मैं बताऊं, आपने मैथ में एक सिंपल सी टर्म पढ़ी हुई है क्या भाई, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो स्पीड अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं आपको इजीली, अगर भाषा में बताऊं स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कि आपके पास स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यही चीज यहाँ पे आई है कि स्पीड क्या हुआ, स्पीड हुआ द डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस कवर्ड की है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम, जितने टाइम में जिस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपके पास क्या होती है, स्पीड। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं डिस्टेंस इज इक्वल टू में, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहां पे बेटा, अब यहां पे दोस्तों क्या पूछ सकता है, यहां पे एक चीज और पूछ सकता है कि इसकी ऐसा यूनिट। अब यहाँ पे यूनिट होती है मेरे पास दो टाइम, अगर मैं यहाँ पे यूनिट की बात करता हूं तो मेरे पास यूनिट बताई गई फर्स्ट, एक तो होता है भाई सीजीएस यूनिट, एक होता है एसआई यूनिट और एक होता है एफपीएस यूनिट और एक होता है एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट। अब इसमें क्या बताया, अब यहां पे सिंपली मैं बता रहा हूं कि आपके पास ये तो जो फर्स्ट जो मेरे पास माना जाता है वो तो माना जाता है भाई डिस्टेंस का, किसके लिए माना जाता है, डिस्टेंस के लिए। सेकंड माना जाता है मास के लिए, किसके लिए, मास के लिए। थर्ड माना जाता है, वो माना जाता है टाइम के लिए। सेम इसी में अब यहां पे ये एसआई यूनिट, अब जो भी होती है अब एसआई यूनिट ये है भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ये यूनिट काम आती है सब जगह, चाहे आप यूरोप में हो, चाहे भारत में हो, चाहे मतलब आउट ऑफ कंट्री कहीं भी हो, जो भी आपके पास यूनिट बनाई गई वो एसआई यूनिट चलती है हमेशा। दूसरा, अब तीसरा एफपीएस, ये वही आपके पास आया मास, जिसको मैं बोलता हूं यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस, फिर ये आपके पास आया मास और फिर आया टाइम। अब यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस, मास और टाइम। अब अगर इनकी यूनिट को अगर मैं लिखूं, सी का मतलब होता है भाई सेंटीमीटर, सी का मतलब क्या हुआ सेंटीमीटर, जी का मतलब लिखूं तो होता है ग्राम, और थर्ड नंबर पे एस का मतलब होता है भाई सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट की बात अभी थोड़ी देर में करता हूं, उससे पहले आप यहां पे आओ थर्ड नंबर पे एफपीएस, एफपीएस मतलब फुट, सेकंड पी है, पी मतलब पाउंड, जो कि हमारे पास मास होती है यूनिट, जैसे पाउंड का मतलब मैं बोलूं कि जैसे आप जिम वगैरह में अगर देखते हो तो वहां पे हमेशा पाउंड होता है, जो आप वेट उठाते हो किस में उठाते हो, पाउंड में।
अब थर्ड नंबर पे फिर से आया सेकंड MKS, MKS और SI यूनिट सेम एज इट इज है, मींस ये तो आपके पास हो गया मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम, S का मतलब हो गया सेकंड। अब सेम यही एज इट इज उठा के SI में लिखा गया कि क्या मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ये आपके पास चार यूनिट होती है भाई। इसी बेसिस पे हम चलते हैं CGS, SI, FPS और MKS। अब आपके पास पूछेगा कि व्हाट इज द SI यूनिट, क्या पूछेगा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द स्पीड, SI यूनिट ऑफ द स्पीड बतानी है, ठीक है। S इज इक्वल टू डिस्टेंस, किसमें करनी है मीटर में, डिस्टेंस आगे भाई मीटर में, टाइम किसमें करना है सेकंड में, टाइम करना है सेकंड में, इट मींस स्पीड इज इक्वल टू में मीटर। अब सेकंड अगर ऊपर जाएगा तो एस की पावर माइनस का वन, या फिर मैं दूसरे टर्म में लिखूं मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट को बताया वो मीटर पर सेकंड है, ठीक है भाई। अगर इसको बड़ी टर्म में अगर भी नोट करोगे, अगर मीटर की जगह मैं अब यहाँ पे क्या कर लूं, मीटर की जगह अगर मैंने ले लिया किलोमीटर, तो उस टाइम में सेकंड की जगह क्या लोगे, क्योंकि बड़ी यूनिट भी है तो सेकंड की जगह क्या लोगे आवर। तो इसी प्रकार से बन सकता है स्पीड इज इक्वल टू में किलोमीटर पर आवर, या दूसरी टर्म में लिखूं किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, ये एसआई यूनिट बताई गई। अब यहां पे एक चीज और बताई गई, क्या कि भाई स्केलर क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी बताई गई आपके पास, क्या बताई गई दो क्वांटिटीज। नाउ अब मैं बता रहा हूं कि क्या दो क्वांटिटीज होती है, दो क्वांटिटी कौन कौन सी भाई, फर्स्ट एक होता है भाई स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब आपको इसमें पूछेगा कि स्पीड जो है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, किस टाइप की क्वांटिटी है, अब स्पीड बतानी है किस टाइप की क्वांटिटी है, चलो जी बताते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले बताता हूं कि स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपके पास सिर्फ मेजर क्या करेगा, मेजर ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ क्या मेजर करेगा भाई मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि आपके पास आपको बाइक दे दी जाए, उसके बाद सिर्फ तेल आपके पास रिफ्यूल मतलब बढ़ता रहेगा आपस में, ठीक है, मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपके पास बाइक दे दी, आपको ये बोला जाए कि आपको सिर्फ किलोमीटर ट्रेवल करना है, चाहे आप कहीं जाओ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको किलोमीटर ट्रेवल करके लेके आना है, मीन्स सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ एक डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है, सिर्फ एक किलोमीटर को ही बढ़ाना है, ये आपके कोई नहीं है कि आप गांव में चाहे चार चक्कर काटो, चाहे गांव से बाहर पांच चक्कर काटो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है एक मैग्नीट्यूड मीन्स किलोमीटर का डिस्टेंस करना है। बट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में आप क्या कर दिया, एक कंडीशन अप्लाई कर दी, क्या कंडीशन अप्लाई कर ली कि मैग्नीट्यूड, किलोमीटर तो निकालो निकालो, एज वेल एज क्या निकालना है, एज वेल एज डायरेक्शन आपको गिवन कर दी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आपको अपने घर से मान लो दिल्ली जाना है, तो आपको रूट दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बसों में लिखा होता है, बस के बाहर जब जाते हैं किसी भी बस में बैठते हैं तो बसों में लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर मेरे को झज्जर से सालावास आना है, या फिर मैं कहूं कि झज्जर से दिल्ली आना है, तो क्या करोगे, उसमें लिखा होता है, जैसे बस की बात करता हूं तो झज्जर से लिखा होता है झज्जर वाया मातनेल टू सालावास। अब क्या हुआ, बीच में आपको रूट कंफर्म कर दिया कि आपके इसी रूट से जाना है, ठीक है, या फिर दिल्ली जाना है, तो क्या करोगे, मैं बोल दूं कि आपको दिल्ली रोहतक होते हुए जाना है, तो आपके पास रूट फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस तो ट्रेवल करोगे बट एज वेल एज आपके पास क्या नहीं बने, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जो देता है वहां पे कंडीशन लगा दी, तो आपके पास क्या है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पीड की बात करूं तो कैसी क्वांटिटी हुई, स्पीड हुई स्केलर क्वांटिटी, क्यों भाई, क्योंकि सिर्फ आपके पास डिस्टेंस है, सिर्फ आपको डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस क्या है कि आप कितना भी ट्रेवल करो कोई मतलब नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी स्पीड, स्पीड का मतलब हो गया दैट इज स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। दूसरे टर्म में बात करूं इजी याद करने के लिए, स्पीड का एस स्केलर का एस, स्पीड इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है भाई, ओके।